हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम। तो आज मैं आपको बीए फाइनल ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उनका ओवरव्यू दूंगी एंड पैरेलली मैं आपको बताऊंगी कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो दैट कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर वन के अंदर है आपके पास तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। देखिए, हमारी जो बुक है उसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये बुक जो है, नाम से ही हो जाता है कि पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपना, अपने इंडिया का, अपनी कंट्री का कंपैरिजन किससे करेंगे, जो बहुत ही हम कह सकते हैं जो डेवलप्ड है यानी जो विकसित देश है उनके साथ ही करेंगे। तो आपकी बुक के अंदर कंपैरिजन दिया हुआ है यूके के साथ, यूएसए के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, चाइना के साथ। तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इंडिया, और इन कंट्रीज में पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे होता है, वहाँ पर राजनीति कैसे चलती है, वहाँ पे प्रजातंत्र कैसे चलता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हमें तुलना करनी होती है तो हम अच्छे से करते हैं, मतलब अच्छे अपने से जो अपग्रेडेशन वाला होता है उससे करते हैं, सो दैट कि हम अपनी चीज़ों में भी कुछ बेटरमेंट ला सके, कुछ और बेहतर कर सके। हम कभी भी अपना कंपैरिजन भूटान या कुछ ऐसी कंट्रियों से करना इतना, मतलब पॉसिबल इतना नहीं समझते हैं, क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं हमें डेवलप्ड के रास्ते पे ले जाने के लिए। तो इस चैप्टर में देखिए यही नॉर्मली बताया हुआ है, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एंड सेकेंड चैप्टर जो है संविधान और संविधानवाद। अब सबसे पहले देखिए संविधान क्या होता है। देखिए, अब हमारी कोई भी क्लास होती है, स्कूल होता है, कहीं पे भी हमारे क्या होते हैं, घर होते हैं, इवन हाउस पे वहाँ पर भी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ एक तरह से चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं फॉलो करनी होती है। अब देखिए, हमारी जो कंट्री है, देश है, जिसके अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इतने बड़े 132 करोड़ भारतीयों वाला जो देश है, क्या उसको चलाना बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पॉसिबल हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो देश चलता कैसे है? देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर बताया हुआ है वही चीज़ें हैं। फिर हम कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको लिखने के लिए ही इतनी बड़ी जो थी हमारी संविधान सभा, जिसमें कि 200+ मेंबर्स थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलिफेंट इसका सिंबल है, जो कि एलिफेंट टाइज कहने का मतलब है कि बहुत विशाल, जैसे कि एलिफेंट बहुत विशाल होता है, वही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करती है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करते हैं कि ये स्टार्टिंग में लिखा गया था, लैंग्वेज की बात करें तो ये लिखा गया था, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, फिर बाद में इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया गया। अगर फिर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ जाता है तो हम नॉर्मली किस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, ओके। और इसके अलावा अगर ये बात आई कि सबसे पहले किसका संविधान लिखा गया था, तो वो था अमेरिका का। और वो कहाँ से प्रेरित हुए थे? वो हुए थे 1789 के अंदर, जो एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। ये दुनिया में सबको बहुत कुछ दे गई थी, जहाँ पर जो राजा होते थे वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, निरंकुश होते थे, प्रजा की तरफ कभी ध्यान नहीं देते थे, अपना जो भी टैक्स होता है वो गरीबों के ऊपर लगाया जाता था, अमीरों के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से सिस्टम जो होता है वो अपना विलासता पूर्वक जीवन जीने में करते थे जो राजा थे फ्रांस वगैरह के। तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रजा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनसे गुस्सा थी, और हम कह सकते हैं कि वो खुश नहीं थे, इसीलिए वो क्रांतियाँ की गई, इसीलिए दुनिया में क्रांति जो होती है वो ही। और फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो दुनिया को तीन शब्द, मतलब अगर हमारे स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर तीन शब्द दिए गए थे, या आप अपने पेपर में भी मैंशन कर सकते हैं। एक है एक हो जाता है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता,
लिबर्टी, फिर ई हो जाएगा यहाँ पर, ई का मतलब होता है इक्वालिटी, और एक होता है एफ, एफ का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो इस तरह से सिंपल सिंपल बातें हैं जो आप अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बता सकते हैं। कितना टाइम इसको लिखने में लगा, तो इसको लिखने के लिए 2 साल, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा अगर टोटल पूछा जाए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से रिजिड और हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग है, कि कुछ चीज़ें जो हैं हम बहुत आसानी से बदल भी सकते हैं। लाइक हमें किसी स्टेट का नाम बदलना है, कोई न्यू चीज़ मतलब कुछ इंक्लूड करनी है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों में रिजिड भी है। कुछ चीज़ों में हमें मतलब वहाँ पर मेजोरिटी भी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूँ कि अगर सरकार बनानी है, देखिए सरकार बनाने के लिए आपको पता है कि नॉर्मली कितना होता है, जितना हमारे लोकसभा है, लाइक लोकसभा के टोटल मेंबर 545, 543 भी होते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली यानी 273। और जब भी नई सरकार बनती है तो वहां पर लिखा होता है जादुई आंकड़ा 273। जो भी सरकार इस आंकड़े को ले जाएगी वो एक तरह से क्लियर मैंडेट उसे मिल जाता है कि ये सरकार बना सकती है, ये पर्टिकुलर पार्टी जो है ये फ्री है सरकार बनाने के लिए। तो ओके, ये हो गया संविधान के बारे में। और भी इसमें बहुत सारी जो पॉइंट्स बना के आप इंक्लूड कर सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स की बात आती है। देन नेक्स्ट इज संविधानवाद। अब ये संविधानवाद का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया था किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ISM वर्ड आ जाता है, लाइक मैंने कहा सोशलिज्म, मैंने कहा कॉम्युनिज्म, या मैंने कहा कॉम्युनलिज्म, या कुछ भी वर्ड आ जाए, सोशलिज्म, कॉम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो इसका मतलब होता है वाद, यानी ये कोई आइडियोलॉजी है, ये कोई विचारधारा है, किसी ना किसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और हिंदी की बात करें जैसे समाजवाद, या हम करें पूंजीवाद, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो संविधानवाद इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझते हैं कि जब कोई कंट्री अपने देश के लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें होती है, लाइक देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा, ये सब हमने कहाँ पर बताया है, संविधान के बारे में बताया। अगर ये ना हो तो मुझे नहीं लगता या किसी को भी नहीं लगता कि प्रॉपर वैसे कोई कंट्री भी चल सकती है। और कंट्री में जो स्टेट्स होती है, लाइक आज के टाइम में आप पंजाब के अंदर देख सकते हैं राजनीतिक जो उठल पटल हो गई है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सी हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर समस्या भी दे रही है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, कि वहां पर जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं, करंटली अभी चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर 16 नंबर के जो बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, कि वहां के जो MLA हैं क्या वो सच में इनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब सच में उनकी मेजोरिटी है। तो इसके लिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है, जो ओपोजिशन पार्टी के MLA हैं मतलब विधायक हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द चैप्टर नंबर 3, संवैधानिक संरचना विधायिका, एंड नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है संवैधानिक ढांचा कार्यपालिका। तो ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर। एक है हमारे पास विधायिका, विधायिका है, एक हमारे पास कार्यपालिका है, और एक हमारे पास न्यायपालिका है। इसके साथ साथ एक और जो फोर्थ पिलर होता है, यानी चौथा स्तंभ जो होता है, वो भी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है मीडिया को, यानी जो मीडिया होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसीलिए ये हो गए 4 स्तंभ। नॉर्मली इनको इनको नॉर्मली प्रेफरेंस दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए विधायिका, विधायिका मतलब जो विधि, विधि का मतलब क्या होता है, कानून बनाएंगे। और कानून आपको पता है कहाँ पे बनता है, ये बनता है संसद के अंदर, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और संसद के अंदर कौन कौन आते हैं, देखिए संसद के अंदर आती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। लोकसभा आती है, राज्यसभा होती है, और प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं।
अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका के अंदर कौन होते हैं? कार्यपालिका के अंदर होती है सरकार। और अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के अंदर कौन होते हैं? न्यायपालिका के अंदर हमारे कोर्ट्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, और 25 जो हैं वो हाई कोर्ट्स हैं। यानी कायदे से हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट्स जहाँ पर कि इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस नहीं होते हैं, वो एक तरह से शेयर भी कर लेते हैं। यानी हर एक स्टेट में अपना नहीं है, कहने को तो 28 स्टेट, 8 यूटीज हैं, कुछ यूटी मतलब सिर्फ एक दिल्ली ही है जिसका अपना खुद का, मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोर्ट है, अदरवाइज नहीं है। और मीडिया तो हमें पता ही है। तो नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जुडिशरी। हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम बात करें चाइना के अंदर, क्या वहाँ पे इंडिपेंडेंट है? नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं है। वहाँ पे सरकार के अंदर अधीन होके काम करना पड़ता है जुडिशरी को भी, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए या और भी इस तरह की कुछ कंट्रीज है, अगर हम उनका सिनेरियो डिस्कस करते तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम राजनीतिक दल और दल प्रणालियाँ जो हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पार्टी की बात करते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी होती है कि राजनीतिक दल है, यानी पार्टी चलानी है तो उसके लिए हमारे पास मेंबर्स भी होने चाहिए, कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो लीडर्स होंगे, जो कि लीड करेंगे। तो इस तरह से पार्टी बनती है और अलग अलग इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इंडिया के अंदर टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं और बहुत सारे रीजनल पार्टीज भी हैं। रीजनल पार्टीज का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्रीय पार्टीज होती है, जैसे कि जजप्पा हो गई या तेलुगु देशम पार्टी हो गई, मतलब अपनी स्टेट के अंदर जो अलग अलग पार्टीज बनती हैं वो हैं। यहाँ पे 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर है CPI है, CPIM है मार्क्सवादी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर है हम देख सकते हैं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, यानी शरद पवार जी की जो पार्टी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं संगमा जी की पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है। यहाँ पे ममता बनर्जी जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है BSP, जो मायावती जी हैं, मायावती जी की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। और ये है BJP पार्टी, जो होगी हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करते हैं तो मेनली या तो मोनो पार्टी सिस्टम होता है। मोनो पार्टी का मतलब होता है जिस कंट्री में एक ही पार्टी है। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, पीपल्स पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी जो है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाय पार्टी सिस्टम का, बाय पार्टी का मतलब होता है द्वि पार्टियां जो होती हैं, तो ये दो पार्टियां किस किस कंट्री के अंदर है? देखिए अगर आप UK की बात करते हैं या आप बात करते हैं USA की, तो वहां पे दो पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं UK के अंदर दो पार्टियां? एक है वहां पर लेबर पार्टी, एक है वहां पे लेबर पार्टी, और एक है वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी। आप मेंशन भी कीजिएगा अपने एग्जाम में। एंड अगर मैं USA की बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी बाई पार्टी सिस्टम है, यानी दो ही पार्टियाँ हैं। एक पार्टी है यहाँ पर डेमोक्रेटिक, एक पार्टी है डेमोक्रेटिक, जिस पार्टी से आते हैं जो करंटली जो बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इसी पार्टी से आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी से, यानी जनतांत्रिक पार्टी से आती हैं, कमला हैरिस जिनका नाम है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नेम है रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते थे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, कई सारी पार्टियाँ हैं। यहाँ पर देखिए 8 पार्टीज हमने देखी जो कि नेशनल लेवल का दर्जा है जिनके पास, और 2 से ज़्यादा जहाँ पर भी पार्टियाँ होंगी वहाँ पर बहु पार्टी सिस्टम होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ, UK और USA में जो संसद होती है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक है हाउस ऑफ कॉमन
और दूसरा रहता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। तो देखिए किस तरह से है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है लोकसभा यानी आम जन के लिए जो बोलते हैं, एंड एक होती है सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स आएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो राज्यसभा के इक्वल है और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो हो जाती है आपकी लोकसभा के इक्वल। और यूएसए की बात करें तो वहाँ पर दो कौन कौन से मतलब हम कह सकते हैं कि हम बोलते हैं वहाँ पे सदन को, जैसे कि एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट। तो इसको आप एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हित समूह व दबाव समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। आपको मैं एक ही लाइन में ये बता देती हूँ, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ना और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है यानी नाम में भी ग्रुप है, ग्रुप का मतलब होता है समूह होता है पर्टिकुलर लोगों की, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक किसी ना किसी अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक समूह जिन्होंने बनाया हुआ है और ये डिमांड्स कर रहे हैं किससे, सरकार से, सरकार से डिमांड करते हैं क्योंकि सरकार के पास ही तो पावर है कानून बनाने की या उसको लाने की। तो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है या तो ये किसानों का हम कह सकते हैं कि समूह होता है, या टीचर्स का होता है, या डॉक्टर्स का होता है, यानी पर्टिकुलर एक ऐसा ग्रुप जिनकी डिमांड्स सेम हैं और ये डिमांड्स किससे कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से यानी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और इसके साथ साथ देखिए जो प्रेशर ग्रुप होते हैं इनकी डिमांड्स चाहे फुलफिल होती हैं चाहे नहीं होती, ये फर्दर पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज नहीं होते हैं यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं जाते हैं यानी ये पॉलिटिशियन नहीं बनते हैं। ये सबसे बड़ा एक मेन कंसेप्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी के अराउंड ही घूमता है। एंड व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप भी वही ग्रुप होता है, मतलब एक समूह होता है जो कि जनता से, जनता का ही होता है और इसमें क्या होता है वो मांग करते हैं, डिमांड करते हैं किससे, सरकार से अपनी मांगों के लिए। और इसमें क्या होता है अपनी मांग को पूरा होने या ना होने के बाद भी हो सकता है कि वो किस में चेंज हो जाए, पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चेंज हो जाए। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, अन्ना हजारे जी का मूवमेंट आप देख सकते हैं, वहाँ पे किरण बेदी थे, अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास थे। क्या ये लोकपाल लोकायुक्त के लिए जो बनाए गए थे, लोकपाल लोकायुक्त का मतलब था जो भ्रष्टाचार जो होता है ना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त क्या था, चलो मैं भी ये भी बता देती हूँ। लोकपाल का मतलब होता है जो कि बनाया जाता है सेंट्रल लेवल पे, एंड लोकायुक्त जो होते हैं ये स्टेट लेवल पे होते हैं, अगर कोई भी किसी भी तरह का करप्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए कि इनको बनाया जाए। तो इंटरेस्ट ग्रुप, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, जो बाद में ग्रुप में जो भी पर्सन इंक्लूड होते हैं ये चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ये चेंज हो जाते हैं पॉलिटिशियंस की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट एस्पायरेशंस और ओपिनियंस कम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एंड प्रेशर ग्रुप इज अ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के, मतलब जो फॉर्मल नहीं है, यानी जो एक तरह से जिसका कोई इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फॉर्मल होता है ना, मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये कह सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं डायरेक्टली कंट्रोल या शेयर नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन ये प्रेशर जरूर करते हैं, लाइक किसान मूवमेंट का आप एग्जाम्पल बता सकते हैं यहाँ पर। ओके, द मेंबरशिप ऑफ ये लिमिटेड होती है, एक टाइम के लिए होती है और पीपल जो होते हैं इसमें अकाउंटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट चैप्टर जो है दैट इज द पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नाम के अंदर ही, चैप्टर के नाम के अंदर ही चीजें आपको मिलेंगी। पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये कल्चर नहीं है या हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, तो पॉलिटिकल कल्चर में बात होगी पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीडिया कैसा है, सिटीजन कैसे हैं वहाँ पे, इन सब की हम बातें करते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, ये एक प्रोसेस होती है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण कर देना, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल यानी जो हर जगह सेम रहती है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है यानी जो चलती रहती है, ये गाइडेड होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये होती है
इसको मैनिफेस्ट चेंज किया जा सकता है। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है ये दोनों तरह की होती है, पॉलिटिकल मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, और इनफॉर्मल का मतलब होता है जो एक प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज नहीं है, वैसे ही बन गया। जो विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पॉलिटिकल कल्चर पासिस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो होता है वो स्टेट टू स्टेट यानी हम कंट्री टू कंट्री भी कह सकते हैं, ये वेरी करता है। हर एक कंट्री में अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और उन्हीं को वही कंट्री फॉलो करती है। एजेंट्स की बात हम करते हैं, देखिए इमिटेट, फ्रेंड्स ग्रुप, मास मीडिया, इसको कौन कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। लाइक फैमिली करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ये सब जो चीज़ें हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक भूमंडलीयकरण। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी आधुनिकीकरण, यानी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न कुछ चीज़ें आ जाना, न्यू चीज़ें इंक्लूड हो जाना। एंड व्हाट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, आप देखिए अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता, वैश्वीकरण ना होता, तो क्या हम फॉरेन से आई हुई चीज़ों को लाइक मोबाइल फ़ोन या कोई भी आर्टिकल होती है क्या हम उनको यूज़ कर पाते? डेफिनेटली नहीं कर पाते। इसीलिए तो LPG लाया गया था 1991 के अंदर, जिसमें था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कर दो, लाइसेंस दे दो, बाहर की कंपनियों को इंडिया में आने दो, इंडिया की कंपनियों को बाहर जाने दो। पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कर देना, यानी शेयर अपना बेच देना। आज के टाइम में सरकार प्राइवेटाइजेशन ही तो कर रही है हर एक का, हर एक जो भी सेक्टर है उनका। जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है अराउंड द ग्लोब आप अपनी चीज़ों का और अपनी सर्विसेज का क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड हैज एन इम्पैक्ट ऑन द सॉवरनिटी ऑफ द नेशनल स्टेट्स। इस तरह से आप पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये कल्चरल लेवल पे कैसे इफेक्ट करता है, सोशल लेवल पे कैसे करता है, सामाजिक स्तर पे क्या कैसे करता है कि लोग आज के टाइम में यूनाइट हो गए हैं। इकोनॉमिक बेसिस की हम बात करते हैं, इकोलॉजिकल यानी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब अराउंड द ग्लोब आप एक ही हो गए हो, यानी जैसे इसमें आप मेंशन कर सकते हो यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 यूरोप की कंट्रीज हैं। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज बनाई जाती है, लाइक IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, WTO है, और अभी आपने देखा था मोदी जी 76th मीटिंग को अटेंड करने गए थे UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आप देखिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार करना, यानी एक हम कह सकते हैं कोई भी मैसेज जो है आपने पहुंचाना है, डिसेमिनेट करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो वहां पर किस तरह से सोर्सेज होते हैं। एक तो होता है फेस टू फेस, एक होता है मास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक होता है TV के जरिए चीज़ों को पहुंचाना। और आज के टाइम में देखिए चीज़ों का सोशलाइजेशन कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि जैसे आप अपना फ़ोन मतलब एक तरह से ऑन करते हैं, जैसे ही आप नेट चलाते हैं, तो इतनी जो न्यूज़ होती है वो विद इन द क्लिकिंग ऑफ दैट बटन आपको वो सारी की सारी न्यूज़ जो होती है वो मिल जाती है। तो मीडिया हम देख सकते हैं, पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है, मैसेज को अगर आपने बनाना है, किस तरह से आप न्यूज़ जो होती है डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना, पब्लिक लेवल पे चीज़ों को लेकर आना। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, देखिए ये बुक भी थी, ये एरोन डेविस के द्वारा लिखी गई थी, अ न्यू इंट्रोडक्शन फॉर क्राइसिस टाइम। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ की एलिमेंट्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले क्या है, वर्ड्स लिमिट। अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो दो नंबर के क्वेश्चन के लिए आप उतने ही वर्ड्स, दो लाइनें या हो सके तो कम से कम शब्दों का यूज़ कीजिए। और अगर 14 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही मेंटेन करनी पड़ेगी। कम से कम 4 से 5 पेजेस का आपका जो आंसर है वो होना चाहिए। कुछ फ्लो चार्ट बना दीजिए, कुछ हेडिंग्स से एक्सप्रेस कर दीजिए, हेडिंग्स जो होती हैं वो बनाइए, एंड जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं बिना किसी हेडिंग के उनको अवॉइड कीजिए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो चार्ट्स जरूर बनाइए। फ्लो चार्ट से क्या रहता है कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था,
फ्लो चार्ट से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। लाइक जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, कुछ इस टाइप का बना दो, या जो भी आपको लग रहा है प्रॉपर वे से उसको आप यूज़ कर सकते हो। इवन रिवीजन करने के लिए भी, सबसे पहले आप कीवर्ड्स को उठाइए, देन आप समरी को उठाइए, देन आप फ्लो चार्ट को उठाइए। इस तरह से जब आप चीज़ों को करोगे तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा और ये मार्क्स स्कोर करने में भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो थ्री बेसिक एलिमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड्स को रीड आउट कीजिए, देन समरी को रीड आउट कीजिए जो चैप्टर के लास्ट में होती है, देन फ्लो चार्ट्स को देखिए, वहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो चैप्टर की कवरेज है वो हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।